हेलो एवरीवन मैं नंदिनी सिंह इस बी पाठशाला में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जोग्राफ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स को क्लियर करने आई हूँ अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ सबसे पहली बात ये है कि आप हमारे बी पाठशाला की प्रीमियम कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर के थ्रू और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी दी गई होंगी आप उसे भी पढ़ लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी सेकेंड चीज़ ये कि वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे फुल वीडियो देखेंगे क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ करवाऊँगी जो एग्ज़ाम के लिए और एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है एंट्रेंस की तैयारी के लिए और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए आप बी एच ओ पाठशाला के प्रीमियम कोर्सेज़ को ले सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं सॉरी और लास्ट पॉइंट ये कि मेरा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और एक्सप्लेन भी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूँगी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहला कि हमारा टॉपिक क्या है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जिसका मतलब है पृथ्वी की उत्पत्ति और उनके विकास के बारे में ये बहुत जानना ज़रूरी है ये बेसिक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना है इसमें इस वीडियो में सबसे पहला है हमारा अर्थ पृथ्वी के बारे में दूसरा है हमारा प्लैनेट ग्रह के बारे में तीसरा सन सूरज के बारे में चौथा सैटेलाइट उपग्रहों के बारे में तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अबाउट अर्थ अर्थ के बारे में हम जानेंगे सबसे सब, सब पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू से हाउ अर्थ ओरिजिनेटेड ये कहना बहुत मुश्किल है कि अर्थ कैसे अर्थ की कैसे उत्पत्ति हुई दूसरा पॉइंट बट वन थिंग इज़ सर्टेन दैट अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ आर सोलर सिस्टम एंड इट्स ओरिजिन इज सिमिलर विद दी अदर प्लानट लेकिन एक चीज़ ये है कि अर्थ भी जो है हमारा वो किसका मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का हमारे सौर्यमंडल का और इसकी भी उत्पत्ति सेम हुई होगी जैसे बाकी अदर प्लैनेट्स की भी हुई होगी थर्ड पॉइंट क्या कहता है सम स्कॉलर्स बिलीव दैट अर्थ लाइक अदर प्लैनेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सन कुछ कुछ स्कॉलर्स का अपना अपना मानना है कि जो अर्थ है वो बाकी अदर प्लैनेट जैसा ही जैसे ही बना होगा उसकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी सन से हुई होगी सो so, सारे डाउट्स को मैं क्लियर करती हूँ आगे वाले टॉपिक में सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ और फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स अगर फॉर्मेशन प्लैनेट की फॉर्मेशन पता कर लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि अर्थ की भी कैसे उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा द स्टार्स आर लोकेटेड और लोकलाइज गैस लम्ब्स इनसाइड नेबुला नेबुला के बारे में मैंने बताया है ब्रैकेट में कि हॉट एंड स्लोली रोटेटिंग गैसेस मास कॉल्ड नेबुला गैसेस मास का मतलब है कि एक नेबुला जो होगा वो एक क्लाउड जैसा डस्ट ऑफ क्लाउड डस्ट से एकदम बादल जैसा बना होगा और गैस कौन सी गैस होंगी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाएंगी तो गैस की जो गैस लम्स का मतलब होता है गैस की जो गाठे हैं वो धीरे धीरे एक क्लाउड का फॉर्म करेंगी एक अपने सेंटर के साथ बीच में लोकलाइज्ड होगा फिर सेकंड पॉइंट है हमारा ये कि अ कोर

डिस्क बना होगा वो किससे बना होगा डस्ट और गैस से वो कैसे बना होगा स्पिनिंग डिस्क कैसे बना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी का एक अच्छा रोल है क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी तो क्लाउड का भी रोटेशन यहाँ पर तो यहाँ पर रोटेट किया होगा हमारा क्लाउड अपने अल, अलग अलग मटेरियल्स के साथ ठीक है तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आफ्टर दिस द क्लाउड ऑफ द गैस कंडेंस एंड द मैटर ओवर द कोर इज चेंज इन टू टाइनी राउंडेड ऑब्जेक्ट इसके बाद जो हमारा क्लाउड होगा वो कंडेंस हुआ होगा मीन्स लिक्विड तरल के फॉर्म में आया होगा मतलब लिक्विड फॉर्म में आया होगा एंड द मैटर ओवर दी कोर इज़ चेंजड इन टू टाइनी राउंडेड ऑब्जेक्ट और जो उस पर मैटर और जो ऑब्जेक्ट जो होंगे डस्ट से या ग्रेन से जो बने होंगे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में बन जाएंगे फोर्थ पॉइंट है दीज इस्मॉलॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स डेवलप इन टू वॉट आर कॉल्ड प्लानटेसिमल बाई अ सर्टन प्रोसेस प्लानटेसिमल्स मतलब है मीनिंग मैंने लिखा है कि ग्रही जंतु प्लानिटेसिमल हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कुछ मैंने सोचा होगा उसके बारे में कि ये क्या होता है तो प्लानिटेसिमल हाइपोथेसिस जो था वो चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा दी गई थी नाइनटीन हंड्रेड फाइव में इसको हम बाइंड्री थियोरी भी कहते हैं तो यहाँ पे है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक प्लेनिटिसमल की फॉर्म एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया होगा कुछ प्रोसेस के बाद ठीक है फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि द स्मॉलर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉर्मिंग लार्ज बॉडीज़ बाई कोलाइडिंग विथ वन अदर एंड दे स्टिक टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से वही बात की जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हुए होंगे वो एक दूसरे में कोलाइड हुए होंगे एक दूसरे में अट्रैक्ट किए होंगे ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक दूसरे में जुड़ जाएंगे ठीक है एक लार्ज बॉडी बन जाएगी फिर एक लास्ट पॉइंट है कि इन लास्ट स्टेज दिस लार्ज नंबर ऑफ़ स्मॉल एसिमल एग्रीगेट टू डेवलप इनटू अ स्मॉल नंबर स्मॉलर नंबर ऑफ लार्ज बॉडीज कॉल्ड प्लैनेट और ये जो लार्ज नंबर ऑफ एसिमल है एसिमल का मतलब होता है कि कोई भी नेबुला जो होगा उससे कोई एक वेंडरिंग स्टार अट्रैक्ट किया होगा और वो ये नेबुला है कोई और इससे वेंडरिंग स्टार आया होगा ऐसे ये वेंडरिंग स्टार है हमारा ठीक है और इससे कुछ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट किया होगा सॉरी अपने तरफ एक्जर्ट किया होगा ठीक है और ये सब स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हैं अपने एक साथ एक दूसरे में धीरे धीरे जुड़े होंगे ठीक है अट्रैक्ट किए होंगे ग्रेविटी की वजह से तो और वो ग्रेविटी एक ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे जुड़ते जुड़ते एक लार्ज बॉडीज़ बन गई होगी और वो लार्ज बॉडीज़ क्या कहलाती है प्लानट कहलाती है हमारी तो ऐसे ही हमारा हुआ था प्लानेट की फॉर्मेशन फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट अर्लियर थियरीज़ मॉडर्न थियरीज भी दी गई हैं अर्लियर थेरीज भी दी गई हैं तो सबसे पहला हमारा क्या है नेबुलर हाइपोथेसिस नेबुलर परिकल्पना परिकल्पना का मतलब कि किसी ने कुछ सोचा होगा और उसके बारे में कुछ बात बताई होगी तो इमैनुअल कांत जो थे एक जर्मन फिलोसोफर जो 1755 में इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताया और इन 1796 एक मैथमेटिशियन थे लैपलेस उन्होंने इस आइडिया को आगे रखा नेबुलर हाइपोथेसिस को कि ये क्या होता है सेम वही प्रोसेस है जो इसमें भी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स का अच्छा रोल है रोटे रोटेटिंग रोटेशन का भी अच्छा रोल है तो इसी तरह दोनों लोगों ने बताया फिर नेबुलर हाइपोथेसिस को दोबारा रिवाइज किया गया किसने किया था कार्ल वाइजेस्कर जो जर्मनी के थे और ओटो स्कैमडेट जो थे वो रशिया के थे ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था और अर्लियर है, नेबुलर हाइपोथेसिस किसने बताया था ठीक है तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओरिजिन ऑफ द सन और फॉर्मेशन ऑफ द सन सन की फॉर्मेशन जनरली ये सब हाइपोथेसिस है हैं मतलब ये सब थियोरी अपने हिसाब से बनाई गई हैं तो सबसे पहला पॉइंट है क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ऑल दिस थियोरी अ लार्ज नेबुलर वेंडरिंग इन दिस स्पेस केम वेरी क्लोज टू स्मॉल नेबुला नेबुला यहाँ पे एक सन के बारे में कहा गया एंड इट सॉरी नेबुला किसी स्टार के बारे में ये हो सकता है ठीक है एंड इट्स यूज राइज ऑफ मैटर ऑन दी सरफेस मैटर ऑन सरफेस ऑफ नेबुलर स्मॉल नेबुलर तो यहाँ पे ये यह कह रहा है कि इस इस थियरी के अकॉर्डिंग में यह है कि एक बैंडरिंग नेबुलर आया होगा स्पेस से किसी मतलब बाहरी स्पेस से कुछ वेंडरिंग स्टार टाइप कुछ आया होगा ठीक है वो दूसरे जो स्मॉल नेबुला से उसके पास आते गया होगा आते गया होगा तो उसके पास आते आते कुछ एक अपने तरफ अट्रैक्ट किया होगा मटेरियल ठीक है उस मटेरियल जो सरफेस मटेरियल होगा वो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में बना होगा स्मॉल नेबुलर्स में बना होगा ठीक है तो इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने यही बताया कि वो जो नेबुला होगा नेबुला ब्रोक इंटू स्मॉल मैनी स्मॉलर रिंग्स वो छोटे छोटे जैसे रिंग्स में ऐसे बहुत बने होंगे दीज रिंग्स ऑन कूलिंग बिकम प्लानट्स एंड सैटेलाइट्स और ये जो ये जो ठंडे होने के बाद जो ये रिंग्स हैं ये ये ए प्लानट का फॉर्म लिया होगा सैटेलाइट का फॉर्म लिया होगा और जो उसके कुछ पार्ट्स बचे होंगे नेबुला के वो आज के टाइम क्या है हमारा सन है द रिमेनिंग लास्ट पॉइंट में यही है कि द रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ नेबुला इज़ दी प्रेजेंट सन जो बीच का कुछ हिस्सा बचा होगा वो आज के टाइम में क्या हो गया होगा सन कहलाता है हमारा ठीक है तो यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम का मतलब है कि शौर्य मंडल के बारे में बात की जा रही है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट ये कहता है द सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि द सन इट्स एट प्लानट देर सैटेलाइट कॉल्ड मून एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस फॉर्म अ कम्प्लीट फैमिली नोन एज सोलर सिस्टम ठीक है तो यहाँ पे ये है कि सन और उसके एट प्लानट सन के साथ एट प्लानट कौन कौन से हमारे वो हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नैप्टून और उसके साथ साथ सैटेलाइट कुछ उपग्रह जो हम कह सकते हैं हमारा जो मून है एस्टेरॉयड मतलब छूद्र ग्रह जो हैं हमारे कॉमेट्स मतलब धूम केतु और लार्ज क्वांटिटी किसके होंगे डट्स डस्ट एंड ग्रेन्स गैसेस पाए होंगे मतलब डस्ट ग्रेन्स मतलब डस्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए गए होंगे गैस पाई गई होगी और ये कंप्लीट फैमिली बन के क्या कहलाता है सोलर सिस्टम मंडल तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है सबसे पहला नोट है कि मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स आर नियर दी सन आर कॉल्ड इनर प्लानट जो मरकरी वीनस अर्थ और मार्स है वो सन के बहुत करीब है तो इसको हम क्या कहते हैं इनर प्लैनेट्स कहते हैं सेकंड पॉइंट है जुपिटर सैटर्न यूरनस एंड नैप्टून आर फार अवे फ्रॉम सॉरी फ्रॉम सन होगा यहाँ पे फ्रॉम सन आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और जो ये नेपट्टून है ये सन से काफ़ी दूर है इसलिए इनको क्या कहते हैं आउटर प्लानट कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं थर्ड पॉइंट सम प्लान लाइक मर्करी वीनस मार्स आर सॉलिड लाइक आर अर्थ दीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान टेरेस्ट्रियल प्लानट का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि टेरेस्ट्रियल प्लानट का मतलब होता है कि उनकी फॉर्मेशन हुई होगी रॉक से मेटल से मतलब चट्टान से बनी होगी किसी धातुओं से बनी होगी तो कुछ ग्रह हैं जो हमारे वो हैं मर्करी वीनस मार्स और अर्थ जैसे कुछ सॉलिड प्लानट जो कि रॉक से बने हैं और मेटल से बने हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ गैस दे आर कॉल्ड जोवेंस और गैसियस प्लानट कुछ प्लानट्स जो हैं हमारे वो गैस से बने हैं उनको गैसियस प्लानट कहते हैं और जोवेंस कह सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है फिर लास्ट पॉइंट है जुपिटर सैटर्न यूरनस एंड नैप्ट्यून आर गैसियस प्लानट जोवेंस मीन्स जुपिटर लाइक मतलब बृहस्पति लाइक बृहस्पति जैसा जुपिटर सैटर्न यूरनस और नैप्टून क्या है एक गैसियस प्लानट है मतलब जोवेंस कहलाते हैं ये ठीक है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा फिर हमारा लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट के बारे में मून के बारे में सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है तो सबसे पहले बात है कि द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट कॉल्ड मून इन द ईयर 1858 फिफ्टी एट सर्ज जॉर्ज डारविन हैड सेड दैट द अर्थ एंड द मून फॉर्म अ सिंगल बॉडी विच वाज रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो अर्थ है उसके पास एक अपना एक ओरिजिनल सैटेलाइट जो है ऐसे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत हैं अर्थ के पास लेकिन जो ओरिजिनल सैटेलाइट है वो है मून हमारा जो कौन बताया था 1858 में सर जॉर्ज डार्विन ने ये कहा ये बताया था और उन्होंने ये भी कहा था जो मून है और जो अर्थ है वो एक सिंगल बॉडी थे पहले ठीक है वो धीरे धीरे रोटेट होते होते एक बल्ज आउट डम्बल शेप बना होगा फिर वो घूमते घूमते हाई स्पीड की वजह से वो एक दूसरे से अलग बन गए होंगे तो ये अपना एक अर्थ बन गया हमारा और ये हमारा mm. मून बन गया ठीक है यहाँ पे दिया है कि अ सिंगल बॉडी विच वाज रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड जिसकी वजह से हम अपना अर्थ पाएँ और मून पाएँ अर्थ का अर्थ की रोटेशन कौन करता है मून और अर्थ किसकी रोटेशन करता है सन की ये सबको बेसिक पता है तो सॉरी कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहला एम सी क्यूज़ है हमारा फर्स्ट एम सी क्यूज जो है फर्स्टली लाइफ ऑन दी अर्थ वॉज़ ओरिजिनेटेड इन सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी मतलब पृथ्वी पे किस चीज़ की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी पहला हमारा वाटर पानी की दूसरा एयर वायु की तीसरा प्लेन मैदान की डी माउंटेंस की पहाड़ की तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर ए सबसे पहले अर्थ पे किसकी कि, किस चीज़ की ओरिजिनेट किस चीज़ कौन सी चीज़ ओरिजिनेट की थी वो थी वो था वाटर पानी की ठीक है फिर सेकेंड हमारा एमसीक्यूज़ है कि बाय विच एलिमेंट इज द टेरेस्ट्रियल प्लानेट फॉर्म्ड स्थलीय मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्थलीय ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से होता है मतलब स्थलीय ग्रह मैंने इस टेरिस्टल प्लानट के पहले ही बारे में बताया है कि न, क्या होते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रॉक्स एंड मेटल सबसे पहला ऑप्शन रॉक्स एंड मेटल चट्टान और धातुओं बी हाइड्रोजन एंड हीलियम सी लिक्विड एलिमेंट और डी ऑल ऑफ दब तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए रॉक्स एंड मेटल्स मतलब चट्टानों और धातुओं से हमारा टेरेस्ट्रियल प्लानिट बना है क्वेश्चन नंबर सी वाई आर दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी स्थलीय ग्रह चट्टान मतलब चट्टानी क्यों होते हैं सबसे पहला ऑप्शन है दीज प्लान आर सिमिलर ये ग्रह छोटे होते हैं सॉरी तो यहाँ पे दिया है कि दीज प्लान आर स्मॉलर ए जो है ये ग्रह छोटे हैं बी जो है दे आर अर्थ लाइक एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी वे पृथ्वी की तरह हैं और चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं और उपेक्षाकृत उच्च धनत्व होते हैं सी जो है बोथ ए एंड बी डी जो है नन ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है सी बोथ ए एंड बी जो सी जो है हमारा वो राइट right आंसर है वो होगा बोथ ए एंड बी मतलब ये प्लानिट छोटे होते हैं और ये अर्थ के जैसे होते हैं रॉकी हो रॉक्स और मेटल से बने होते हैं इनकी डेंसिटी भी हाई होती है ठीक है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसकी अवधि सबसे लंबी होती है तो अगर देखा जाए सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो दिया है ईय्स युगो की बी पीरियड्स काल की सी एरा युग की डी एपॉक युगारंभ की तो इसका राइट आंसर ए है ईन्स युगो की ठीक है तो सबसे यहाँ पे क्वेश्चन फिर से है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी सबसे लंबी अवधि होती है तो ए हमारा जो है इॉन्स युगों की होती है फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं द इनर प्लानिट मीन्स आंतरिक ग्रहों का मतलब है तो ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे प्लानिट बिटवीन द सन एंड द अर्थ सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह बी प्लानिट बिट्वीन दन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टीरोइड्स सूर्य और क्षूद्र ग्रह के बेल्ट के बीच के ग्रह सी प्लैनेट्स इज गैस स्टेट गैस अवस्था में ग्रह डी प्लैनेट्स विदाउट सैटेलाइट उपग्रह के बिना ग्रह तो यहाँ पे है अगर इसमें क्या कह रहा है कि इनर प्लैनेट का मतलब क्या होता है तो इसका राइट right आंसर है वो है बी जो प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड सूर्य और छूत ग्रह के बेल्ट के बीच के ग्रह इनर प्लैनेट कहाँ पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में हमारे जो होते हैं वो ग्रह जो होते हैं वो इनर प्लानट होते हैं जैसा मैंने बताया था मर्करी वीनस मार्स अर्थ जो होते हैं हमारे इनर प्लानट होते हैं ठीक है तो इसका राइट right आंसर जो है वो है बी ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है ऑप्शन ए वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन किलोमीटर बी फिफ्टीन पॉइंट नाइन एट मिलियन किलोमीटर सी वन सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री फोर मिलियन किलोमीटर सॉरी ये डी होगा डी वन सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन मिलियन किलोमीटर तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन किलोमीटर इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गेव द कोलिजन हाइपोथेसिस निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने मतलब कोलिजन हाइपोथेसिस के बारे में किसने बताया था तो ऑप्शन ए इमैनुअल कांत बी लैपलेस सी चैम्बर सॉरी यहाँ डी होगा डी सर जेम्स एंड हेरोल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है आपका किसने दिया था सर जेम्स एंड हेरोल्ड जेफरे ने डी जो है हमारा वो राइट right आंसर है सर जेम्स एंड हेरोल्ड जैफरे ने क्वेश्चन नंबर एट हु सजेस्टेड दैट द अर्थ एंड दून रोटेटिंग एज सेम किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा समान रूप से घूमते हैं ए सर जॉर्ज बी सर चैम्बरलिन ऑप्शन सी सर मॉल्टन ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है मैंने बताया था आपको ए सॉरी ऑप्शन जो है हमारा वो है ए सर जॉर्ज ने दिया था कि जो मून है और अर्थ सेम रोटेट करते हैं समान रूप से घूमते हैं ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाइन्थ क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लानेट निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है ए जो है हमारा जुपिटर बृहस्पति बी हमारा मर्करी बुद्ध वीनस सॉरी ए जुपिटर बी मर्करी सी वीनस शुक्र डी अर्थ तो इसका आन, राइट आंसर है ए जुपिटर बृहस्पति जो कि हमारा इनर प्लानट नहीं है वो आउटर प्लानट है टेन वॉट इज द डायमीटर ऑफ गैलेक्सी आकाश गंगाओं का व्यास गैलेक्सीज़ आकाश गंगाओं का व्यास क्या है मतलब डायमीटर क्या है ए जो है हमारा बिटवीन एट्टी थाउजेंड टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड लाइट ईयर बी बिटवीन सेवेंटी थाउजेंड टू वन लैख थर्टी थाउजेंड लाइट ईयर्स सी बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड टू वन लाख टेन थाउजेंड लाइट ईयर डी बिटवीन थर्टी थाउजेंड टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंट लाइट ईयर तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एक मिनट इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए बिटवीन एट्टी थाउजेंड टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड क्लाइटियर ठीक है तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इलेवन द टेरेस्ट्रियल प्लान वर फॉर्मड इन विच एरिया तो सबसे देखते हैं कि स्थलीय ग्रह किस क्षेत्र में बने थे तो ऑप्शन ए जो है हमारा पेरेंट स्टार जनक सितारा बी एस्ट्रॉयड छूत्र ग्रह सी इनर प्लैनेट्स आंतरिक ग्रह डी आउटर प्लैनेट बाहरी ग्रह तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ए है पेरेंट स्टार जनक सितारा फिर ट्वेल्व क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने नेबुलर ने ने परिकल्पना दी थी किसने दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस तो इसका आंसर होगा लैपलेस ने ठीक है क्योंकि इमैनुअल कांत ने ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है क्योंकि इमैनुअल कांत ने इसके बारे में बताया था और सेवनटीन आई थिंक सेवनटीन एट्टी सिक्स में शायद सेवनटीन सॉरी सेवनटीन नाइन्टी सिक्स में लैपलेस ने आ, इनकी थियोरी को इनकी आइडिया को आगे रखते हुए ये बताए कि नेबुलर हाइपोथीसिस सही में ऐसा है लैपलेस ने तो थैंक यू एवरीवन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच